हे गाइस, हैप्पी मंडे। तो आज मैं घर से काम कर रही हूँ। मेरा ना जॉब फेयर है पूरे दिन का, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो मैं इसी स्पॉट पे रहने वाली हूँ घंटों तक। और आज एमी का है कैंडी केन डे स्कूल में। तो आज बच्चों को ना रेड और व्हाइट पहनकर जाना है, कैंडी केन्स बनकर जाना है। तो एमी के पास एक रेड और व्हाइट टॉप थी, हमने एमी को वही पहना दी। ये हमारी कैंडी केन है, चाइनीज कैंडी केन ना पिंक होती है, तो पिंक फॉक्स पहन ली है। मंडे भी कभी हैप्पी होता है? सारे काम पे आ रहे होते हैं, मैं तो घर बैठा हूं। भाई तो कुछ नहीं करो तो हैप्पी नहीं होता। आज तेरे को काम देके जाते हैं, फिर बताओ काम बताओ मेरे को। लोग हमें बोलेंगे चाय के नशे करते हैं सारा दिन, जब भी ब्लॉग बन रहा होता है हाथों में चाय होती है हमारे। ये तीजू कट कर देंगे। तो मैं कह रहा था कि आज हम सुबह उठे और एमी और जीजू तो चले गए स्कूल और ऑफिस, दीदी काम कर रहे थे, बोर हो रहा था। मैंने सोचा मैं भी देखो कुछ करता हूँ। फिर याद आया कि सिन नंबर लेना है, रेडी हो रहा है बंदा, तो दीदी कह रही लड़की से मिलने जा रहा है। परफ्यूम मांग लिए तो मेरी लड़की से मिलने जा रहा है। मतलब बंदे को भाई ठीक है, बाहर आए हैं घूम फिर रहे हैं तो अच्छा बन के ही निकलेंगे। अब मैंने दीदी से रूट पूछा तो रूट देखा कि बसेस से जाना है। बस रूट तो देख लिया, बस नंबर नहीं देखा, और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया उल्टा। फिर वहाँ से 2 बसें एक्स्ट्रा मेरे को लेनी पड़ी, 2 रूट लेके मैं पहुँचा। फिर वहाँ पे सिन नंबर मिल गया, काफ़ी सॉर्टेड प्रोसेस था, बहुत छोटा था। पासपोर्ट देखा, स्टडी परमिट देखा, वेटिंग थी 5-10 मिनट की, 4-5 लोग थे मेरे से पहले, तो 5 मिनट के अंदर आ गया, मिल गया। इंडिया में कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट लेने गए और तुम्हें 10-15 मिनट में फ्री कर दिया हो। और वहाँ से 10-15 मिनट में फ्री हो गया, तो बेस्ट चीज़ ये सब मैं $4 में घूम के आया हूँ। उसके बाद क्या हुआ, दीदी का मैसेज आया, मैं खड़ा था वापस आने के लिए एक बस स्टॉप पे, दीदी का मैसेज आया व्लॉग बना ले। मैंने कहा ठीक है व्लॉग बना लेते हैं। व्लॉग बनाने के चक्कर में बस मिस हो गई, अगली बस 14 मिनट बाद बस आई, बैठा रिकॉर्ड करने लगा बस के अंदर व्लॉग, बस स्टॉप मिस कर दिया। फिर लंबा घूम के अब वापस उतरा हूँ। मैंने कहा आराम से एक ही बार, यहाँ पे दीदी के घर से थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस है बस स्टॉप, मैंने कहा यहाँ बनाऊंगा व्लॉग। तो बस आज का मेरा ये दिन था, बाकी देखते हैं। Makeover? No, I don't want makeover. हर लड़की के बाप ने ना एक बार तो लड़की से मेकअप करवाया ही होगा। आपका वो दिन आ गया आज अमित, अपने आप को हैप्पी फील, अपने आप को ब्लेस्ड समझो अमित, कि आपको अच्छा? भी वो दिन आ गया आपके लिए भी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज ब्लेस्ड हो जाते हैं। लिप बाम के अलावा भी कुछ लगाएगी तो पापा को? क्या लगाएगी? ऐसे लगता है फिंगर पे लेके, बस थोड़ा सा ये आपके होठों पे लगाकर फिर अपने होठों पे वही वाला नहीं लगाना चाह रही ना, इसलिए ओके ऐसे करते ना। आते हैं मेरे को बस बेटा बस एमा सर आई डोंट इवन सी इट एट दिस साइड। मेरे को मेरी मम्मा से बात तो करने दे। आप यू कैन टॉक विद क्लोजिंग योर आईज। नो आई वांट टू सी माय मॉम। You cannot right now because then your makeover is gonna देख लो आप यहाँ होते थे आपका नंबर लगता था मेकअप का, अब आप नहीं हो तो मेरा मेकअप कर रही है। बेटा मामू का कर ले। तो उसको कोई ना कोई तो चाहिए। मामू का पास थोड़ा सा बहुत ज्यादा हेयर है। First I went to get $3 but then I had so much coins there and I got you know lalchi, I took all the money. Where did all my money go? I took it. आपके पिगी बैंक में कितने पैसे थे? मेरे पिगी बैंक में बहुत सारे थे लेकिन बहुत ज्यादा गुम हो गया लेकिन वो सारे मामू ले गया। मामू का क्या एग्जैक्ट अमाउंट तो पता नहीं था और मैं हूँ चालाक ब्रो, आई एम वेरी चालाक ब्रो। बहुत सारे चेक करने जा रही है अपना पिगी बैंक। नहीं क्या हो गया तेरे को? रोज मामू एक बार बुला लेते हैं ना, रोज मामू मिल जाता है कि मामू ऐसे नहीं चलेगा। पैसे के पीछे प्यार खत्म, यही बात।
कि बड़े तो छोटों को पैसे देते होते हैं। ऐसा आ गया इंडिया से हमारे बीच में। अब किस पैसे की स्वेटर ले है मेरी? ये देखो इंडियन मॉम्स 101 शुरू हो गए हैं यहाँ पे, बहला फुसला के बच्चों के पैसे से बच्चों को गिफ्ट दिला देते हैं। एमी कह रही है आई नेवर स्टोल योर मनी, आई नेवर स्टोल मामूज मनी, व्हाई ही स्टीलिंग माय मनी? आई डिडंट स्टील योर मनी, आई टुक इट फ्रॉम यू। बट व्हाई डिड यू टेक इट फ्रॉम मी? इफ यू जस्ट टेक इट, इट इज स्टील, यू डू नॉट आस्क फॉर इट बिफोर टेकिंग इट। सो इफ आई हैड आस्क्ड वुड यू हैव गिवन इट टू मी? या, गिव इट टू मी देन। बट Say please Amy दे दो। Please Amy बहुत सारी मनी दे दो। लेकिन ये सारा, but I did so hard to spend to find this money. I did so hard. Amy स्कूल जाती है, रोड पे पैसा लेने जाती है। तू इतने सारे सिक्के मिल गए पड़े हैं। मेरे को भी बताओ Amy, मेरे को भी बताओ, ये मेरे को भी चाहिए पैसा, कहाँ मिलता है, मैं भी जाऊँगा ढूंढने। जब यूनिवर्सिटी जाओ तो सामने देखकर ही नीचे देखकर चला करो, मिल जाते हैं पैसे नीचे गिरे हुए। सर नीवा रखो, मिल जाते हैं पैसे। आज ही करोड़पति बन गया तो मैं वापस इंडिया रुक जाऊँ। ट्रस्ट मी गाइस, आज हमारा कहीं पे शॉपिंग के लिए जाने का कोई प्लान नहीं था। मतलब मैं ना फिर थक गई हूँ अब शॉपिंग करेंगे। हाँ मैं बोल रही हूँ ऐसा, मैं कि मैं थक गई हूँ शॉपिंग करके, क्योंकि ना इतना पार्टी के चक्कर में इतनी शॉपिंग कर ली ना पिछले 5-6 दिन में, तो मुझे लगा यार 3-4 दिन 5 दिन का ना ब्रेक लेना चाहिए। बट एमी के स्कूल से मैसेज आ गया कि ना कल एमी का फेस्टिव स्वेटर डे है, जैसे आज उन्होंने कैंडी केन डे था। तो ना जब से ये तो ये हॉलीडेज वाला ये वीक चल रहा है ना, मतलब हॉलीडेज शुरू होने से पहले वाला जो वीक चल रहा है, इनको रोज एक थीम मिल जाती है स्कूल में, ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जिस दिन इनका वो था, जब इनका कॉन्सर्ट था, तो उस दिन इनको क्रिसमस कलर्स पहन कर जाने थे। वैसे मेरी पार्टी का थीम भी क्रिसमस कलर्स है, तो जो ड्रेस कोड है ना मेरी पार्टी का, तो मैंने इन्वाइट पे यही लिखा हुआ, यू हैव टू वेयर क्रिसमस कलर्स। तो उस दिन एमी को क्रिसमस कलर्स पहन कर जाना था, तो उस दिन पहनकर नहीं गई थी, तो मेरा रोना छूट गया था। तो उसके बाद मैं सोच रही हूँ जो ये बोल रहे हैं ना मैं फॉलो कर लेती हूँ। तो आज इनका कैंडी केन डे था, लकली मेरे पास ब्लैक नहीं, मेरे पास व्हाइट और रेड कलर की इसकी स्वेटर थी, तो इसने आज वो पहनकर चली गई। कल है फेस्टिव स्वेटर डे, मतलब क्रिसमस स्वेटर पहनकर जानी है, वो मेरे पास इसके साइज की नहीं है, मेरे साइज की है। तो अब हम वॉलमार्ट जा रहे हैं इसकी फेस्टिव स्वेटर लेने। वॉलमार्ट इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस टाइम पर 9:30 बज रहा है, सिर्फ वॉलमार्ट ही खुला होगा। तो चलो आपको अनप्लान्ड वॉलमार्ट का चक्कर लगवा जाते हैं क्विकली, इससे पहले कि वॉलमार्ट भी बंद हो जाए। इस टाइम वॉलमार्ट इसलिए जा रहे हैं, नींद करनी थी, जी को 2 घंटे की नैप लेनी थी बढ़िया। और उठते ही फिर जीजू ने ऑफिस से आके चाय पिलाई है और फिर ऑमलेट खाया है। कल परसों से थक गई है दीदी बहुत, ऑमलेट चाय पी के टेस्टी सब बताते नहीं है ऐसे सारा, है ना? ठीक है चलो। हरी हरी सब्जियां, मजा आ गया आज तो, सब्जियां लेंगे, आलू भी लूंगा, बैंगन भी लूंगा, टिंडे भी लूंगा। आलू आलू उठा लियो भाई, भाई साहब एक थैली खुशी दे दो थोड़ी सी, वो नहीं मिलेगी यहाँ। ओके ओके, अदरक यहाँ होगी शिल्पा, यहाँ हो सकती है, ऑर्गेनिक टर्मरिक है यहाँ तो, येरी 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 आ जाओ, मिल गई ऑर्गेनिक अदरक। भाई वीट नहीं है ये ओरिगैनो है। ओ ओ ओ, ये वाटरमेलन है। हाँ इतने बड़े तो टमाटर होते हैं। यहाँ टमाटर ज्यादा बड़े होते हैं। सलाद के लिए ना एक वाइट, 2-3 वाइट प्याज। आई थिंक ये वाइट की बजाय वो येलो वाले स्वीट होते हैं, मुझे पता नहीं। मैरी क्रिसमस सर, मैरी क्रिसमस। अनियन स्वीट्स, अनियन स्वीट बल्क, तो ये वाले स्वीट होते होंगे, तो सैलेड में यही चलेंगे। फॉलो मी, आई नो परफेक्ट फूड। शो मी वेयर इज प्रॉपर फूड। ये मेरे को परफेक्ट फूड चाहिए, चलो एमी को बैंगन दिलाते हैं, बैंगन। गिव मी द पर्पल मॉन्स्टर वन। ओके। गाइस आपको ना पहले भी किसी वीडियो में बताया मैंने कि ये जो लंच बॉक्स है ना, ये एमी को बहुत पसंद है,
और जितनी बार हम बॉल में डालते हैं वो उठा ही लेती है। अब नॉट सो लॉन्ग अगो, मतलब कुछ महीने पहले, ये तीन आते थे $5 के, और फिर हम जितनी बार वॉल में आते हैं ना ये $1 रेट बढ़ जाता है। अब ये $3-4-9 के आने लगे, मतलब ऐसा नहीं हम चार बार ही आए हैं बट कहने में ऐसा आता है $3-4-9 नाउ। कोई चीज़ें नहीं है शिल्पा, तुम हमेशा टूटे हुए अंडे लेके आती हो, मैं देख कर लेके जाता हूँ, ये डिफरेंट है। कोई स्पेसिफिक टाइप की नहीं है, तो हम इमा का स्टंट भी दिखा दो, इनकी स्टंट मैन हो जाती है जैसे ही आती है वॉलमार्ट से, ट्रॉली वैसे झूलती है। गाइस अब हमें चाहिए फेस्टिव स्वेटर, तो मैं ये लेकर आई हूँ कि या तो एक ये ऑप्शन है, ये फेस्टिव फेस्टिव सा लग रहा है, या एक ये ऑप्शन है। ये फेस्टिव है, अभी को तो पूरा भी नहीं आएगा। और अमित दिखा रहे हैं अगली स्वेटर्स, मतलब वो जो क्रिसमस की अगली स्वेटर्स होती है ना, जो 24th को रात को पहनते हो, जैसे दिखाती हूँ अमित ने क्या दिखाया है। नहीं ये तो जिफ्टी वाला है। मैं अमित को बोल रही हूँ कि यार ये लेने की बजाय तो फिर यही लो ना, उसे स्कूल में पहन कर जाना है। ये अमित कह रहे हैं ये ले लो। मैं कह रहा हूँ मैं अगली स्वेटर्स नहीं दिखा रहा, मैं अगली पिछली सारी दिखा रहा हूँ। तू फिर स्कूल में पहन कर जानी है, मेरे को तो लग रहा है ये ब्लू, चलो ब्लू अगर वो कलर नहीं है, क्रिसमस कलर नहीं है, तो ये तो फिर भी क्रिसमस कलर लग रहा है ना। मतलब यार शिल्पा मैं तुम्हारी बात ना बिल्कुल भी नहीं टाल सकता, पुनीत जी गुस्सा करते हैं, तुम रेड वाली ले लो। अरे नहीं, मतलब जो फिटर हमें पता है, मुझे पता है कि फिफ्टी फिटर दिमाग में कौन सी है, वो क्रिसमस वाली मेरी क्रिसमस लिखा हो या सैंटा बनाओ कलर वो वाले हो, आई नो, बट वो मिलने नहीं ना यार। नहीं नहीं शिल्पा ये रेड वाली ये बड़ी अच्छी लग रही है, ये ले लीजिए शिल्पा, और मैं आपको अभी काजू कतली भी खिलवाऊंगा। वो कमेंट तो मैंने पढ़ा ही नहीं है जी। ऐसी होती है मैं फेस्टिव फिट रखिए इस तरह की होती है, बट भी ये एमी को नहीं आएगी ना, इसमें पूरी फैमिली जा सकती है। ये फैमिली पैक है। गाइस हमने एमी की कल की भी शॉपिंग कर ली है और 24th की भी शॉपिंग कर ली है, हमने ये स्कर्ट लिया है इसके लिए एमी के लिए, और इस स्वेटर के साथ ये स्कर्ट पहनने वाली है, और नीचे ब्लैक स्टॉकिंग, तो ये तो इसकी पार्टी की ड्रेस हो गई, साथ में इसके पास गोल्डन शूज है ऑलरेडी, और ये एक और स्वेटर लिया हमने। एक मिनट, ये दीदी की चॉइस की है दो, मतलब छोड़ो ये देखो आप, मैंने एक चीज उठाई है सिर्फ, एमी अच्छी लगी ना आपको ये? हेलो मैं उसके लिए पार्टी वाली ड्रेस ले रही हूं। ठीक है बस वो बता देंगे आपको सब्सक्राइबर्स कमेंट में। ये बच्ची कार्ट में शॉपिंग करते करते इसको नींद आ गई है, सो ही गई है। मेरे से तो छोड़ो, करवाते ही करवाते हैं, बच्चे से भी मेहनत करवाते हैं, देख रहे हो बेचारा सो गया है। चलो चले अब, चले सर, होगी सारी मेहनत। यस सर, बिलिंग कराए। ये सवा 12 हुए हैं, दोपहर के नहीं है रात के हैं, मतलब रात के नहीं है सुबह के हैं, और ये खा रहा है आलू के पराठे। आलू के पराठे खा के मेरी सोल खुश हो गई है गाइस, डांस निकल रहा है, तेरी सोल तो खुश हो गई है भाई, अपनी बॉडी का भी थोड़ा ध्यान रख, रात को कौन खाता है आलू के पराठे। अरे सब चलता है, आप मेरे भाई को ऐसे नहीं बोल सकते हो। क्यों मुझे भी यही खिलाओगी क्या? That's not fair. वो उसका मन था संडे को खाने का आपके साथ, पर आप ऑफिस चले गए तो उसे खाए नहीं बेचारे ने, वो आपके वेट करते हुए आज खा रहा है कि आप डिनर इस टाइम कर रहे हो। यू कैन नॉट से दैट टू माय ब्रदर, नो। ओए होए, आज तो वो किसने डांट दिया तेरे को, अब इतना प्यार आ रहा है ब्रदर पे। वो जैसे वैभव कल बोल रहा था ना, एमी को तो वीडियो में प्यार करती है। अच्छा क्या पराठे खाने को मिलेंगे आज? नहीं राजमा चावल ही पड़े हुए हैं, अगर खाने हैं तो आपकी मर्जी है, वैभव का मन पराठे खाने का है तो पराठे बन रहे हैं, आपका मन राजमा चावल खाने का राजमा चावल खा लो। पराठे खाएंगे हम भी फिर। वो कहाँ आएगा क्रिसमस ट्री, कहाँ पर आएगा? इस जगह पर आएगा क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री यहाँ आएगा, वीडियो में अच्छा लगेगा आपको। फिर हम उस वॉल पे क्या करने वाले हैं, जो हम एंट्री पर हमारी ये सामने वाली वॉल होने वाली है, इसके ऊपर क्या होने वाला है? गाइस डेढ़ बज गया, गाइस डेढ़ बज गए और हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पार्टी की, डेकोरेशन कैसे करनी है, फिटिंग अरेंजमेंट कैसे करना है, फूड टेबल कहाँ लगानी है। तो आज वीडियो इसलिए नहीं आ रही है, वैसे तो आप जब ये वीडियो देखोगे तो वीडियो आ रही होगी, बट आज मतलब एक दिन पहले मैंने वीडियो इसलिए नहीं डाली है यार, ये पार्टी की बहुत सारी तैयारियाँ पेंडिंग है, कल की वीडियो में बताती हूँ आपको कि फाइनली हमने डिसाइड क्या किया है। हमने ना पिछले साल एक वीडियो बनाई थी कनाडा में हमारे कितने खर्चे होते हैं, मतलब पूरा कनाडा के खर्चों की वीडियो बनाई थी, और उसके बाद ना
अभी कुछ महीने पहले भी मैंने ऐसे ही एक वीडियो में बताया था कि एक न्यू इमिग्रेंट फैमिली जब कनाडा में आती है तो वो कितने खर्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दो अलग अलग वीडियोस थी, एक में हमारे खर्चे थे, एक में हम बता रहे थे न्यू इमिग्रेंट्स कितने खर्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट ना हमने बहुत टाइम से अपने खर्चे ट्रैक नहीं किए थे। मैं मॉर्गेज की बात नहीं कर रही, मॉर्गेज, घर का प्रॉपर्टी टैक्स, घर की यूटिलिटीज, वो सारी फैमिलीज कितनी अलग अलग होती है। किसी ने घर 10 साल पहले खरीदा होता है तो उनकी मॉर्गेज बहुत कम होती है, किसी ने बिल्कुल अभी लिया होता है तो उनकी ज्यादा होती है, किसी का छोटा घर है बड़ा घर है, वो मॉर्गेज रेंट्स वो सारी बातें ना अलग है। वो हर फैमिली को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि उनकी कैपेसिटी कितनी है पे करने की, अदर देन मॉर्गेज, अदर देन घर मेंटेन करने वाला खर्चा। यार मतलब मैं ना हैरान रह गई, इन्फ्लेशन ने इतना फर्क डाल दिया घर के खर्चों में। जहां पे पहले हम मतलब गाड़ी में जो गैस है वो शायद अमित की गाड़ी में $300 की भरती थी, मेरी गाड़ी में $200 की भरती थी, पहले $500 की दोनों गाड़ियों की गैस भरती थी ड्यूरिंग पेंडेमिक जब पेट्रोल बहुत सस्ता हो गया था। एनीवेज अब वो खर्चा डबल हो गया। तो ऐसे करके ना ग्रॉसरी खर्चे क्या हो गए, मैं हैरान रह गई कि हमारा घर का इतना खर्चा है। ठीक है, दो लकीली थैंकफुली इतने खर्चे के बाद भी सेविंग्स थोड़ी बहुत होनी चाहिए, हो रही है, वो सबकी होती होंगी। लेकिन मैं आपको ना बताऊंगी, एक नई वीडियो बनाते हैं जिसमें आपको बताते हैं कि ना अब हमारा महीने का खर्चा घर का कितना है, तो आप ना कंपेयर कर सकते हो उस वीडियो से जो हमने पिछले साल बनाई थी और जो हम वीडियो अब बनाएंगे आगे बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले वो वीडियो बनाए, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ कि जो लोग आप कनाडा में रहते हो या आप लोग दुबई में रहते हो, इंडिया में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आप मेरे को बताओ यार कि आप लोग का महीने का खर्चा घर का ना कितना है। मतलब ये बच्चों के स्कूल की फीस इंक्लूड करना जहाँ पे आप पे करते हो, ठीक है, तो हमें ये देख कर ना अच्छा लगेगा कि चलो यार हम बच्चों की स्कूल की फीस एटलीस्ट पे नहीं करते अगर हम इतना टैक्स पे करते हैं तो। लेकिन मेरे को कॉमेंट्स में जरूर बताओ आप लोगों का घर का महीने का खर्चा कितना है, मतलब ग्रॉसरी का, गैस का और जो मिसलेनियस बच्चों का मिलाकर, यहाँ पे बच्चों की यार जो क्लासेस होती है उनका पैसा लग जाता है, डे केयर का पैसा लग जाता है, तो अभी डे केयर भी जाती है तो उसका पैसा भी होता है। तो प्लीज़ आप बताओ आप महीने का कितना खर्चा करते हो। आज मैं बर्थडे शाउटआउट्स के लिए ना बड़ी ड्रामेटिक सी फील लेकर आई हूँ क्योंकि इतने सारे बर्थडे शाउटआउट्स हैं। गाइस जल्दी से बर्थडे शाउटआउट्स दे देती हूँ जिनके भी नाम ले रही हूँ। सबके बर्थडे 16 दिसंबर को थे, 17 दिसंबर को थे, 19th को थे, 20th को है और 21st को है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरी चिटचिट फैमिली की तरफ से विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे, और उन लोगों की तरफ से भी हैप्पी बर्थडे जिन्होंने मुझे बताया है कि आपके बर्थडे हैं। 16 दिसंबर को था मेरी सब्सक्राइबर पूनम के बेटे मोहम्मद का बर्थडे, 17 को दिव्या खुराना की बेटी इनाया तनेजा का बर्थडे, उनको मुझे एमी के साथ शॉर्ट आउट देना था, शी टर्न 10 बट एमी अब सो गई और मुझे लग रहा है कि अगर अभी भी इनाया को बर्थडे शॉर्ट आउट नहीं मिला तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। 19th को मेरी सब्सक्राइबर दिव्या गिरी उनके फ्रेंड नवीन का बर्थडे था जिनको बिलेटेड बर्थडे विशेष मिल रही है, और दिसंबर 20th अभी यहाँ पर चल रहे हैं तो यहाँ पे अभी ये है अभी का प्रेजेंट का बर्थडे। अलका चौहान एंड मेरी फ्रेंड नादिया अमीन दोनों को विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। और अब 21st, अच्छा 12 बज गई है तो अब 21st के भी बिलेटेड बर्थडे या एडवांस बर्थडे नहीं है, सेम डे बर्थडे है। तो 21st को बर्थडे है मेरी सब्सक्राइबर शिरीन शाह है, उनके ग्रैंडसन का बर्थडे, वो नाम लिखना भूल गए अपने ग्रैंडसन का। इसके अलावा एक मेरी हिसार से सब्सक्राइबर है पूनम रेजू, उनके बेटे यक्ष का बर्थडे है, और नेहा सहगल के बेटे अलाभ्या का बर्थडे है। आप सबको विश यू वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। तो गाइस आप मुझसे मिलो अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखना, बाय।